हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम टैली के एक लेटेस्ट और अमेजिंग टीडीएल फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। और टैली की ये टीडीएल फाइल टैली की बाकी सारी टीडीएल फाइल्स की तरह एक एडवांस टीडीएल है। टैली की इस टीडीएल फाइल की मदद से आप अपनी डे बुक, सेल परचेस रजिस्टर, अपनी बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में अपने ग्रिड लाइंस को शो कर सकते हैं। यानी आपकी हर एक एंट्री के नीचे आपको एक ग्रिड लाइन शो होगी। इससे पहले भी हम टैली की ऐसी टीडीएल फाइल को लोड कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर जब हम प्रिंट करते थे तो वहां पे हमें ग्रिड लाइन शो नहीं होती थी। लेकिन टैली की ये एडवांस टीडीएल फाइल है, इसकी मदद से जब भी आप ग्रिड लाइन के बाद प्रिंट लेंगे तो वो आपको प्रिंट में भी शो होगी। तो आइए देखते हैं ये टैली की कौन सी एडवांस टीडीएल फाइल है और आप इसको किस तरह से यूज करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कर लीजिए। आप यहाँ पर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आई टैली, ईवे बिल और जीएसटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और आज हम यहाँ पे आपको टैली के एक एडवांस टीडीएल फाइल को लोड करके दिखाएंगे। टैली की इस टीडीएल फाइल का नाम है एडवांस ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन से रिलेटेड हम पहले भी एक टीडीएल फाइल को लोड कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर जब हम प्रिंट लेते थे तो वहाँ पे हमें ग्रिड लाइन शो नहीं होती थी। लेकिन टैली की इस टीडीएल फाइल की मदद से हमें प्रिंट में भी ग्रिड लाइन शो होगी और साथ ही जो हमारी सेल और परचेज की एंट्री है उसके अंदर भी पर आइटम के नीचे हमें ग्रिड लाइन शो होगी। तो आइए सबसे पहले हम इस टीडीएल फाइल को लोड कर लाते हैं और उसके बाद हम आपको एक सेल की एंट्री करके दिखाएंगे, जिससे आपको ये वीडियो क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारी वो टीडीएल फाइल है जिसका नाम है एडवांस ग्रिड लाइन टीडीएल फाइल। इस टीडीएल फाइल को टैली में लोड करने के लिए सिंपल आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और सिक्योरिटीज वाले टैब में आके यहाँ से इसके फुल नेम को कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद आप दोबारा से टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए और गेट वे ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पर जाएंगे और यहाँ से प्रोडक्ट एंड फीचर्स में आ जाइए। प्रोडक्ट एंड फीचर में आने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में एक ऑप्शन शो रहा होगा मैनेज लोकल TDL, या तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए या तो इसकी शॉर्टकट की F4। इस पर क्लिक करते आप TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पर जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन लोड TDL फाइनल स्टार्टअप, इसे यस कर दीजिए और नीचे वाला ऑप्शन में आके उस TDL फाइल को यहाँ पे पेश कर दीजिए, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। देन आप सिंपल इस TDL कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो को एक्सेप्ट करा दीजिए। इसे एक्सेप्ट कराते आप देखेंगे यहाँ पे हमारी ये TDL फाइल सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। तो आइए अब देखते हैं कि ये TDL फाइल वर्क कर रही है या नहीं। तो आप गेट वे ऑफ टैली में यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन शो रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है लाइन कलर। ये ऑप्शन अभी आपकी टैली में शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप इस TDL फाइल को लोड कर लेंगे ये ऑप्शन आपकी टैली में भी शोने लग जाएगा। इस पर क्लिक करते यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारी लाइन्स आ रही है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि आप कौन सी लाइन को चुनना चाहते हैं। तो हम यहाँ से ब्लू पे क्लिक कर देते हैं। तो ब्लू पे क्लिक करने के बाद अब हम देखेंगे जहाँ पे भी हम अपनी रिपोर्ट ओपन करेंगे वहाँ पे हमें ब्लू कलर की ग्रिड लाइन शो होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी डे बुक देखते हैं, डिस्प्ले डे बुक। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमें यहाँ पे सारी की सारी ग्रिड लाइन शो रही है, हमारी हर एंट्री के नीचे हमें यहाँ पे ग्रिड लाइन शो रही है। आप चाहे तो इसको डिटेल फॉर्म में भी देख सकते हैं, Alt+F1। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, Alt+P विद प्रीव्यू एंटर करते देखेंगे यहाँ पे हमें ग्रिड लाइन प्रिंट में भी शो रही है। तो इसके साथ ही हम अपनी सेल की रिपोर्ट को भी देखते हैं, यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखेंगे विद प्रीव्यू, तो हमारी सेल की रिपोर्ट भी हो रही है और ये प्रिंट में भी शो रही है। तो आइए इसके बाद हम एक सेल की एंट्री करके देखते हैं। ये ग्रिड लाइन हमें हर जगह शो होगी, हमारी बैलेंस शीट में, हमारे ट्रायल बैलेंस में, PNL में, हर जगह में ग्रिड लाइन शो होगी। तो टैली की काफ़ी एडवांस TDL फाइल है। इससे पहले जो हमने ग्रिड लाइन शो की थी उसके अंदर हमें इतने फीचर्स नहीं मिल रहे थे। तो एक हम सेल की एंट्री करके देखते हैं। उसके लिए गेट वे ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंटिंग वाउचर्स, सेल के लिए एफिट की, पार्टीज अकाउंट नेम, देन यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में एडकॉम कंप्यूटर 10 पीस। इसके बाद एक दो आइटम और ले लेते हैं, हेडफोन 20 पीस, MI Note 6 20 पीस और लास्ट में सैमसंग कंप्यूटर 20 पीस। ऑटोमेटिक हमारा CGST HGST कैलकुलेट हो गया। बाकी सारी डिटेल को एज इट इज़ रखते हुए इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। पेज अप किसी इस एंट्री में दोबारा आ जाते हैं। अब हम इसका प्रिंट देखते हैं, हमारे को हर आइटम के नीचे हमें ग्रिड लाइन भी शो होगी, Alt+P
विद प्रीव्यू के साथ एंटर प्रेस कर दीजिए तो आप देखेंगे हमारी एक रीलाइंट हमारे प्रिंट के अंदर भी शो हो रही है। तो टैली की काफ़ी एडवांस TDL फाइल है। इस TDL फाइल की मदद से आप कोई भी एंट्री करेंगे आपकी जितनी मर्जी आइटम्स हो उसकी भी आपको रीलाइंस होगी, जिससे आपको हर आइटम का रेट भी और उसका GST भी आगे कैलकुलेट दिख जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।